इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जोर लगाओ भाभी सा, जोर लगाओ, थोड़ा और जोर लगाओ। सांस लेती रे, सांस लेती रे, सांस ना रोक, बस थोड़ा जोर और। हाँ, जोर लगा, जोर लगा, सांस मत रोक, सांस लेती रे। अरे कितना इंतजार करवाएगी, कब सुनाएगी कुछ खबरी? दिल बैठा जा रहा है मेरा। धीरज रखो भाई साहब, बताती हूँ। अरे कितना धीरज धर लूं, 9 साल से बारिश का इंतजार कर रहा हूँ, कितना धीरज धर लूं। इस बार भी अगर छोड़ी हुई तो पता है ना क्या करना है दाई माँ, तो गला घोट देना अपने हाथ से। सुन रही है? दाई माँ, क्या हो गया? अरे सब ठीक है दाई माँ? ये पाप है भाभी सा, और नरशिष को मारना। दाई माँ, अरे बच्चे के रोने की बात तो कब से आ ली? जवाब दीजिए, लगता है मुझे आना होगा अंदर, मैं आ रहा। बधाई हो भाई सा, छोरा हुआ थारे को। छोरा हुआ है, छोरा हो गया, छोरे का चेहरा देख रहे हैं, 3 छोरियों के बाद छोरा हो गया, छोरे का चेहरा देख लूं मैं। भाई साहब थे छू ना सको छोरे को, क्या है कि बहुत ही कमजोर पैदा हुआ है, उसको ना भी माँ की सख्त जरूरत है, किसी दूसरे का हाथ लगने से ना बीमार और कमजोर पड़ जाएगा। थारे छोरे की बढ़ाई के लिए कह रही हूँ, क्या है कि उसकी जान को भी खतरा है। आप बाप बन गए बाप, मैं चाचा। मिठाई बांटो मिठाई। मैं छगन हलवाई के यहाँ से मिठाई खरीदते पूरे गांव बांटता हूँ। आप बाप बन गए, मैं चाचा, मैं जा रहा हूँ, चाचा बन गया, चाचा। छोरा हो गया मेरे छोरा। रुकना नहीं है, कितनी गिनती हो गई? 72 से काम ना चलना है, और मेहनत करनी होगी है? देखो कल पूरे 80 बैठक बनाने पड़ेंगे तने, उससे पहले रुकने ना दूंगी। चल अब ना दूध बादाम पी ले है। सोनू बाहर बोरिया रखी है, गाड़ी में रख दे, शहर जाना है। अच्छा तेरे हाथ उलो। चल चल जल्दी बोरी उठा। ऐसा चींटियों की तरह काम करेगा तो रात को पहुंचूंगा शहर। हाँ, दुकानें बंद हो जानी है, अंदर चौपट कराएगा मेरा तू। बांध ले पल्लू में, बांध के रख ले छोरे को, रख ले और देख क्या हाल और खा इसका। अरे छोरा पैदा करना था मर्द पैदा करती, होने वाले सरपंच का वारिस है। अरे मर्दों की तरह अकड़ होनी चाहिए छोरे में। अभी छोरे
ये मुंह क्या देख रहा है? ये बोरियां आज ही ले जानी है शहर। चल चल डर दे गाड़ी में। नाश्ता बनाऊं तेरे लिए? बना देता हूँ। नहीं नहीं, जब तू बना दे फिर भूखा मारेगी तू मुझे एकदम। दो मिनट। तुम बारह की भूखा मरे, काम कुछ करना नहीं। सुन लिया अपने बापू के मुंह से? पड़ गई थारे कलेजे में ठंडक? अरे तब भी तो चिल्लाती रहती हूँ, और मेहनत कर और मेहनत कर, ताकत बढ़ा अपनी, ऐसे काम ना चलना है बेटा। बता के फायदा हुआ तारे को इतना दूध बादाम पिला के? चल अब जल्दी जल्दी कर, बोरियां रख ले, बापू को नाश्ता दे देती हूँ। ढीला करना, इतना कसकर क्यों बांधती है? ठीक से सांस भी ना ले पाऊं। चुप कर और अपना मुंह ना जरा बंद रख। जो कुछ भी कर रही हूँ ना थारी भलाई के लिए कर रही हूँ। 16 साल से तारे को इस गांव के मर्दों से बचा कर रखा है मंडे। ये औरत से नफरत करने वाले जो मर्द है ना, इन्हें भनक भी लग गई ना कि तू छोरा नहीं छोरी है, वहीं गाड़ देंगे थारे को, उसी समय खत्म कर देंगे। हाँ मुझे एक बात बता, देवी माँ ने हम सबको एक समान बनाया है, तो फिर लड़की होने में क्या बुराई है? बात यो है, यहाँ पर जो है ना देवी माँ का राज ना चले है, मर्दों का राज चलता है। जो वो कहेंगे हमें करना ही पड़ेगा, वरना हम लोगों की जिंदगी जो है ना नर्क से भी बदतर हो जाएगी। आई बात समझ में? हो गया, चल जाओ। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी माँ हमेशा थारे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूं थारे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ठीक है? चल तू संजाना है ना? ठीक है माँ, ट्यूशन के लिए देर हो रही है। और सुन, हाँ ट्यूशन से सीधा घर आना, चोरों के साथ घूमने फिरने मत निकल जाना। ठीक है माँ, लेकिन मेरे लिए मीठा पराठा बना के रखना। पक्का? जा आराम से जाना। हाँ देवी माँ, ऐसा कब तक चलता रहेगा? तारे होते हुए मैं अपनी बच्ची पर इतना अत्याचार कर रही हूँ, चोरी होते हुए भी उसे छोरे की तरह पालना पड़ रहा है। 16 साल हो गए देवी माँ, 16 साल उसकी जान बचाती आ रही हूं, पर कब तक? पता नहीं उसके साथ क्या होगा। उसकी रक्षा करना माँ, उसकी रक्षा करना। ये ले तारे पैसे। कब तक सच्चाई छुपाओगी भाभी सा? बचपन से लेकर आज तक छोरी को छोरा बना के रखे हो, पर ये राज कब तक दबा पाओगी? जमर्दा की दुनिया से लड़ पाओगी? झुमके तो घने चखे, मारे को भी बनवा दो ना ऐसे, अगली बार झुमके लूंगी। घनी बेशर्म औरत है, थारी जैसी लालची औरत तो इस दुनिया में दूसरी होगी ना। इतने सालों से मारे से इतना जेवर इतना पैसा ऐठ चुकी है, अभी तक थारा मन ना भरा। वाह भाभी सा, मारा ऐसा अण मानने की बजाय मारे को लालची बोल रही हो? ये मत भूलो जो उस दिन मैंने झूठ ना बोला होता ना भाई सा से, तो उसी समय थारी छोरी का राम नाम सत्य हो गया होता। उसी की कीमत चुका रही हूं। 16 साल हो गए दाई, यही बात बोल बोल के मारे से जाने कितना पैसा कितना जेवर है चुकी है तू। इंसान भरा मुंह से तू, चोखी तो थारी पैजम भी लागे भाभी सा।
जल्दी ना आए मणि, दिवाली पे बना देना। चलती हूँ। देवी माँ की सौगन, देवी माँ भी थारे को माफ ना करेगी। जितनी छोरियों की हत्या की है ना तूने अपने हाथों से, उन सबका श्राप लगेगा थारे को। निकल यहां से, कहीं तेरे भाई सा आ गए तो सौ सवाल करेंगे। खम्मा गणी भाभी सा, निकल खम्मा गणी, आने का समय हो गया उनका। खम्मा घनी सा। अरे खम्मा, ये क्या करने आई थी यहाँ पे? तू कहीं फिर से पेट से रोना है? ना जी, ऐसी तो कोई बात ना है, वो घर का कुछ काम था, पापड़ और अचार बनाना था, सो बुलाया। काम करते देखा तूने कभी घर पे इसे? कहाँ इसके हाथ के बने पापड़ अचार? जी वो एक बात तो आपसे कहना भूल ही गई मैं, वो सोनू की ना गर्मियों की छुट्टी आ रही है एक महीने की, तो जिद कर रहा था ननिहाल जाने की, तो अगर आपको सही लगे तो ले जाऊं उसे। क्या करेगा ननिहाल जाके? हमारे घर वालों से भी मिल लेगा, बाकी जैसा आप कहें। दूध लाती हूँ। नहीं लगेगा। ये देख टिकलू, इस बार भी सारे कंचे मारे। तू आज बार बार कैसे जीत रहा? तू कोई बेमानी जरूर कर रहा है। अच्छा मतलब मैं जीत रहा हूँ तो थारे को बेमानी लग रही है, तो फिर ठीक है, चल बिछा कंचे, एक बार और खेल हो जाए। गोली तो रहने दे, एक काम करते हैं, चल चल नहर पे नहाने चलते, देखते आज कौन अच्छा तैरता है। ना ना, अरे ना, थारे को पता है ना मारे को पानी से खतरा है, माँ को पता चला ना तो मारे को जिंदा गाड़ देगी ना। अरे हाँ याद आया, मासा ने मारे को ना कोई काम दिया था, बाद में मिलता हूँ। अरे पानी के नाम पे फिर से भाग गया, डरपोक डरपोक दोस्त भगदड़। माँ 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 माँ, क्या हुआ? चौके में थी, क्या हो गया? ये देख लहंगा ले आया। चल मारे कमरे में रख दे और हाथ मुंह धो ले, तारे वास्ते गर्मा गर्म मीठा पराठा बना रही हूँ। अच्छा माँ, बापू घर पे है क्या? नहीं, बाहर गए काम से, शाम तक लौटेंगे, जा फटाफट तैयार हो जा। बापू ने थारे को ऐसे देख लिया ना तो हम दोनों की जान ले लेंगे, दोनों की जान। क्या किया? अपनी बच्ची पर हाथ उठाया मैंने, कैसी बाहू, कैसी बाहू, कैसी बाहू, ऐसा मत करवा, मारे वजह से अपने आप को चोट मत पहुंचा, मारे को माफ कर दे सोनू, मारे को माफ, मैं मजबूर हूँ, मुझे ऐसे नहीं जीना है, मैं एक लड़की हूँ, अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, ये गाँव हमारे लिए नहीं है, चल यहाँ से कहीं दूर चलते हैं,
और तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, दिन रात मेहनत करूंगी, रिक्शा तक चलाऊंगी, पर यहां से कहीं दूर चलवा जहां हम अपनी जिंदगी जी सके। ऐसा भी तो आसान ना है सुन, हम औरतों के भाग्य में यही सब लिखा होता है। और फिर जाएंगे तो कहां जाएंगे, कहां छुपेंगे इन लोगों से, कहां भागेंगे? ये सब बातें जो बस मारी सौड़ ले, मारी सौड़ ले कि आइंदा कभी छोरे वाले कपड़े ना पहनेगी। सोनू तारा बाप हुआ क्या? ठीक है अपने कपड़े पहन, ये सब उतार, मुंह साफ कर लेना, जल्दी जल्दी कर ले, बाप हुआ क्या? एक ऐसा समाज जहां देवी की पूजा की जाती है, वही एक लड़की को लड़का बनाकर पाला जा रहा था। एक लड़की से उसकी पहचान छुपाकर उसे जीने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यह कैसा दोगला समाज था, जो अपने घर में मां और पत्नी तो चाहते थे लेकिन बेटी को जन्म देने से डरते थे। सोनू पे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अत्याचार किए जा रहे थे। अब तक सोनू की मां भगवती उसकी सच्चाई छुपाकर रख पाई थी। क्या होगा जब सोनू का यह सच सामने आएगा कि वो लड़का नहीं लड़की है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी। बार मना किया थारे को, छोरे थे छोरियों वाले काम मत कराया कर, छोरियों की तरह चलने लगा है। ओए इधर आ, इधर आ, आजा आजा, यहाँ खड़ा हो, कपड़े उतार, कपड़े उतार, पूरे शरीर में तेल लगा, शरीर में तेल लगा, और दंड बैठक मार मेरे चाचा, मार मेरे चाचा, मार मेरे चाचा। मैं बनाऊंगा मर्द थारे को। बापू साहब वो कल कल तबीयत खराब हो गई थी, सर्दी बुखार हो गया है। रहने दीजिए ना इसे, बिल्कुल ठीक ठीक बोल रहा है, तबीयत ठीक ना है इसकी। और फिर ये तो कोई जरूरी ना है ना कि सारे मर्द एक जैसे हों। याद है वो दाई माँ ने भी तो बोला था जब ये पैदा हुआ था कि कमजोर है। अरे क्यों कमजोर है, कैसे जाएगी कमजोरी? टांग खोल के सुन ले बात, थारे को गांव के अखाड़े में लेके जाऊंगा, वो इतनी बढ़िया कसरत कराएंगे सारी कमजोरी दूर जाएगी थारी। थारी उम्र में जब मैं था ना, पूरे गांव का चक्कर दौड़ के मारता था, 10 आदमी का काम करता था, अकेले इतनी ताकत थी मेरे में। ये सारी कमजोरी थारी वजह से हो रही है, पल्लू से बांध के रखेगी मर्द कैसे बनेगा? वीर कब तक छोरियों को फोन पे देखता रहेगा, ब्याह कब करेगा? ना वीडियो देख देख के कुबारा मर जाएगा। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मेरे मामा इस बार भी कई छोरियां देखी है, अब इस गांव का नाम सुनते ही कोई छोरी देने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको लगता है अगर छोरी की शादी हुई और अगर छोरी पैदा हो गई तो हम मार देंगे। लेकिन भाई कुबारा मरने वाले नहीं है हम। इसी बात है तो तू एक काम कर। क्या? तू ये गांव छोड़ दे तुरंत, ये बात सुन ले ध्यान से, गांव छोड़ दे, दूसरे गांव में जाके बच जा, ब्याह हो जाएगा। मैं इस गांव में रहेगा तो कुवारा मर जाएगा, बता रहा हूँ तेरे। ये सोच रहा है मैं गांव छोड़ के चला जाऊं ताकि ये सरपंच बन जाए। भाई मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। अब तू मेरे ब्याह की चिंता मत कर, मुझे क्या करना है नहीं करना है मुझे पता है। अब अगर आसानी से छोरी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो उठा लेंगे या पैसे से खरीद लेंगे। भाई पैसे में बहुत ताकत है। बस इस बार मने 50,000 की जरूरत है भाभी साहब। एक बार मारे छोरे की सरकारी नौकरी लागी ना
थारे से एक पैसा नहीं मांगूंगी। 50,000? थारे को क्या लगता है काली कि मारे घर में पैसों का पेड़ है? जब मुंह उठा के आएगी मैं थारे हाथ में पैसा रख दूंगी। इतने सालों से इतना पैसा इतना जेवर ले चुके, तुम्हारे से भूल गई? देख काली, अब ना बहुत हुआ, तू हद पार कर रही है। अब से थारे को 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। इस घर में कदम मत रखना भाई। बड़ी 50,000? अरे कहां से लाऊंगी 50,000? माफ कर मन्ने और निकल यहां से, निकल यहां से। थारे घर में कदम भी ना रखूं? लगता है भाभी सा, 16 साल पहले चुप साध के मैंने गलती कर ली, पर अब मारे से कोई गलती कोनी होगी। काली, काली मारी बात सुन, काली। देवी मैं रक्षा करना, कुछ करना बैठे। ब्लैकमेल कभी न रुकने वाला सिलसिला होता है। जब तक भगवती ने पैसे और जेवर देकर काली का मुंह बंद रखा, तब तक काली चुप रही। लेकिन जैसे ही भगवती ने जवाब दिया, वो नागिन की तरह फुंकार उठी। अफसोस की बात तो यह है कि एक औरत होकर वो औरत के जज्बातों से खेल रही थी। अब जब पैसे मिलने की उम्मीद खत्म हो गई थी, तो क्या करेगी काली अपने अपमान और लालच के लिए? क्या वो चुप बैठेगी? अब से थारे को 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। माफ कर मन्ने और निकल यहां से। इस घर में कदम मत रखना। छोरा मुँह चगी लागे, मैं तो सोचू पानी तो भर गो, घड़ा लेके घर को कैसे जाऊंगी? अरे मैं हूं ना, दे मारे को। तू छोड़ देगा? हाँ। मारे को दे। ठहर ठहर, मैं थारे सर पे रखा दू। सोनू तू लड़की है? अरे ये तो लड़की है।
इतना बड़ा धोखा है, माँ बेटी ने मिलके मारे साथ इतने सालों तक मारी आंखों में धूल झोंक दी, इतना बड़ा धोखा। धोखा? ये कैसी बात कर रहा है? एकदम चुप। मैं मुल करता है, मैं जानते मार दूँ, लाशें बिछा दो, दोनों की लाशें बिछा दूँगा, लाशें। पैदा क्यों दिया इस पाप को? पैदा होते ही ये गला क्यों नहीं घोट दिया? यहाँ चेहरे पे मेरे कालक पुत गई पूरे गांव वालों के सामने। हिम्मत कैसे हो गई तेरी? अपने आदमी से इतना बड़ा राग छुपाने की हिम्मत कैसे हो गई? तो और क्या करती? और क्या करती मैं अपनी बाकी तीन छोरियों की तरह? इससे भी मार देती। छोरियों ना गुना है क्या? पाप करके जुबान लड़ा रही है मारे तो जुबान लड़ा रही है। मैं बताता हूँ तुमने, चला इधर चल। 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 ऐसा मत कीजिए, दरवाजा खोलिए दरवाजा। आपको भगवान भास्ता, दरवाजा खोल दीजिए। माँ के पापों की सजा छोरी को भी मिलेगी। सलो दोनों माँ बेटी यहीं पे भूखे प्यासे। रुद्र भाई साहब जल्दी चलो, सरपंच जी ने बुलाया है। अम्मा सुना दो, इतने सालों से तने ये राज हम लोगों से छुपा कर रखा रुद्र गांव वालों को बड़ा ज्ञान बांटता फिरता है ना, और उन्हीं गांव वालों की आंखों में धूल झोंकता रहा। देवी माता ही कसम, मारे को खुद खबर नहीं थी। ये सब हमारी बीनड़ी का करा धरा है, उसी की वजह से आज नजर नहीं मिला पा रहा हूं मैं आपसे। ये देखिए पंच प्रमुख, जो आदमी अपनी बिनड़ी को नहीं संभाल सकता वो इस गांव का सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसने पूरी गांव वालों को धोखा दिया है, इसके कर्मों की वजह से हम कभी भी इसे सरपंच बनने नहीं देंगे। गांव वालों, क्या तुम रुद्र को सरपंच स्वीकार करोगे? हम इसे अपना सरपंच नहीं बनने देंगे, हम इसे अपना नेता नहीं बनने देंगे, हम इसे अपना सरपंच नहीं बनने देंगे, हम इसे अपना नेता नहीं बनने देंगे। सरपंच जी, जो होना था सो तो हो गया, लेकिन अब इसे अपनी पगड़ी होने वाले दामाद के पैर में रखनी पड़ेगी। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना? सही बात। ठीक है, कोई और इसके बारे में बात करना शुरू करे, अपने बिटिया का ब्याह कर दे। सरपंच जी, इसने तो गाँव की परंपरा तोड़ी, अब इसे अपनी बेटी को गांव से दूर रखना पड़ेगा, किसी दूसरे गांव के लड़के से शादी करनी पड़ेगी। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना? सही बात, सही बोल रहे हो। सरपंच जी, रुद्रसा की बेटी से मैं अपने बेटे का ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, रुद्र की बेटी का ब्याह ध्यानचंद के बेटे के साथ होगा। हमारी छोरी तो 16 साल की है अभी। हाँ ठीक है, 2 साल बाद हो जाएगा, फैसला हो गया। क्राइम
इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। पड़ गई थारे कलेजे में ठंड। कौन से जन्म के पाप है जो सजा भुगत रहा हूं मैं? तैयारी कर, छोरी के ब्याह की तैयारी कर। मारी इज्जत की तो फिक्र को नहीं तेने? थारे को तो बेटी की फिक्र है। वजह थी जो मैंने थारे को इस गांव के मर्दों से बचा कर रखा था, क्योंकि इस गांव के मर्द मर्द नहीं भेड़िए हैं, जो अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए चोरी चोरी के पैदा होते ही उसे मार देते हैं। राक्षस है, जानवर है। मैं तुझे इस गांव के प्रकोप से नहीं बचा पाई, माफ कर दे मारे को। जहां तेरा ब्याह लगा है, मारे को तो ये भी नहीं पता कि वो कौन है, कैसा है, किस परिवार का, नहीं कुछ ना पता। शांत हो जा माँ, हम नानी जी के घर चलते हैं। ऐसे गांव में रहने से क्या फायदा, जहाँ हम चैन की सांस भी ना ले पाए। नहीं सोनू, इतना आसान ना है ये सब। तेरे बापू को पता चल गया ना कि मैंने यहाँ से जाने की कोशिश भी की है, मारे को जिंदा मार देंगे वो। कब तक ऐसे आंसू बहाती रहेगी माँ? शांत हो जा। शांत, मैं तेरे लिए पानी ले आती हूँ। बेटी की रक्षा कर, हमारी बेटी की रक्षा करो, रक्षा करो। भूरा, रुद्र भाई के लिए कड़क चाय बना। इनको कड़क चाय की जरूरत है। अब जिसकी बिंदड़ी धोखेबाज हो वो तो घर से दूर रहेगा ही ना। अब जिसके ऊपर वो अजीब छोरा, नहीं नहीं, छोरी का, छोरी की विया का बार हो। अरे बात सुन ले मेरी ध्यान से। खबरदार, जो गंदी जुबान से मेरे परिवार का नाम लिया, देवी माता की कसम जिंदा गाड़ दूंगा, यहीं जिंदा। आ थटा,
किस किस का दुकान बंद करेगा? और वालों को तुमने धोखा दिया है। अरे धोखा नहीं दिया किसी को मैंने, पर ध्यान से सुन ले, जिंदा गाड़ लूंगा सबको। ये इसकी हालत तो देखकर लगता है कुमारा ही रहना अच्छा है। देख, मैंने ना पूरा गांव अपने हाथों से सजवाया, तेरी शादी है ना। तुझे कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बढ़िया लगा ना? मेरी छोरी, देख लेके लेके आया हूँ जो मिठाई है, शहर से लेके आया हूँ अपनी छोरी के लिए। खा जा, पूरा खा जा, बहुत बढ़िया है, बढ़िया हलवाई की बढ़िया मिठाई छोरी के लिए। खा जा, खा जा, खा जा, खा जा। देख, दो दिन के बाद तेरी शादी है और ना मैं बहुत खुश हूँ। हम दोनों बचपन के दोस्त है, कल ना बापू के साथ शहर जा रहा हूँ तो तेरे लिए ना बहुत सारे झुमके, चूड़िया, माला सब लेकर आऊंगा और अपने हाथों से पिनाऊंगा। सोनू। हाँ माँ। तुझे मासा बुला रही है, वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है, तेरी शादी की तैयारियां करनी है। चल ठीक है। सोनू। हाँ माँ। ये देखा, ये सारे गहने तारे वास्ते, देखो तो सही तारे पे कैसे लगते हैं। ये सारे गहने मेरे लिए? तो और नहीं तो क्या, सारा कुछ तारा ही तो है। हा? ऐसे तुम्हारे पास और भी बहुत कुछ था, पर वो है ना दाई काली, तुम्हारे से इतना कुछ ऐड कर ले गई है, वरना थारे को पता चलता थारी माँ के पास खरे सोने के कितने गहने। हाँ कितनी सुंदर लग रही है तू, किसी की नजर ना लगे थारे को। क्या हो गया? अरे की तबीयत खराब हो गई है थारी। अरे ऐसा मुंह क्यों बना रही है, बताएगी कुछ? लड्डू खाने से पेट में अजीब सा हो रहा है, उल्टी जैसी हो रही है। किसने दिया ये लड्डू? वो बापू शहर से लाए थे। लगता कई दिनों पुराना लड्डू होगा, सड़ी मिठाई खाने से ऐसा होता है। थारे को मैं अभी नमक वाला पानी पिलाती हूँ, सारा जहर बाहर निकल आएगा। चल 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 चल, चल, चल। 114 सालों के बाद राजस्थान के शतीगढ़ गांव में किसी लड़की की बारात आने वाली है। इस शादी की खुशी में पूरा गांव जश्न मना रहा है और अब हम कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो इस शादी का गवाह बनने के लिए दूर दूर से आए हैं। अम्मा जी, इस खुशी के मौके पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे जीते जी इस गाँव में मेरी छोरी की बोली उठ रही है, माता रानी उसको खुश रखे। इस खुशी के मौके पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जब हमें पता चला कि रुद्रा भाई साहब अपनी बेटी को बेटे के रूप में पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, तो पंचों ने उन्हें हुक्म दिया कि अपनी बेटी की शादी करो। अब बेटी है तो शादी तो होगी, बाप की इज्जत तो गई। आप ये? अरे दूध है, पी ले, सेहत का ध्यान रखा कर। तू बीमार पड़ गई ना, हम लोगों को कौन देखेगा, घर को कौन देखेगा? छोरी का ब्याह है कल, तेरी 18 साल की तपस्या पूरी हो जाएगी। छोरी ब्याह करके अपने घर जाएगी, खुश रहेगी, माँ बाप को और क्या चाहिए। बात तो आपने बिल्कुल चौकी कही है, कल से हमारी बच्ची की जिंदगी की नई शुरुआत होगी। पर ना एक बात है, पिछले 2 सालों में बड़े दुश्मन बन गए हैं जी उसके, जाने कौन मारना चाहे हमारी छोरी को। रे दुश्मन तो खड़े हैं, 18 साल का बदला ले रहे हैं। पर तू चिंता ना कर, मैं हूं ना, छोरी का बाप जिंदा है अभी। ठीक है, छोरी है, छोरी जितना प्यार तो ना करो, लेकिन मारी छोरी है। पता है, छोरी कल भी आकर चली जाएगी अपने घर, ये सोच सोच के ना मारे कालजे में यू अजीब सा हो रहा है कुछ।
कैसी बात करने लग गया? तू दूध पी ले, ध्यान रख अपना, दूध पी, सेहत का ध्यान रख, काम बड़े करने हैं। तेरी माँ बेहोश कर दिया, बड़े दंड बैठक करा है तेरी माँ ने तेरे को, क्योंकि तू औरत है और औरत कमजोर होती है। बापूजी शादी हमारी जिंदा रहेगी तो शादी होगी, लाशों की शादी नहीं होती। हमारी जिंदगी खराब करके ब्याह करने चली है, मारे सारे अरमान चकनाचूर करके खुशी से रहेगी तू? मैंने छोरे का बाप बनने का सपना वो तुमने चकनाचूर कर दिया, गांव का सरपंच बनने का अरमान चकनाचूर कर दिया तूने, गांव के सामने बेइज्जती करा दी मेरी तूने, और अब खुशी खुशी तेरी विदाई करके रोज तिल तिल मरता रहूंगा मैं। बापू साहब आप हमारे चुप चुप एकदम चुप, बापू साहब है तेरे तो बापू साहब को फर्ज निभाना होगा, जो काम 18 साल पहले तेरी मां ने नहीं किया ना वो आज मुझे अपने हाथों से पूरा करना पड़ेगा, अपने हाथों से। बचा कोई बचाने नहीं आएगा तेरे को, तेरी माँ अंदर बेहोश पड़ी है और यहाँ पे कोई है नहीं, है तो है। ये देवी माँ की मूरत है, पर ये तो मूरत है, मूरत तो बचाएगी नहीं, तो अब तेरे को बचाने वाला कोई नहीं है। गांव वाले, ये गांव वाले तो छोरी के पैदा होते ही छोरी का गला दबा देते हैं, पता नहीं तेरे तो दूध पी के पूरा नहीं पिया, नियत पता है ना आपकी, हर धांगड़ी जो हूँ सालों से डर कर बोलती आई हूँ, लेकिन आज दबंग होकर बोलती हूँ, दूर रहो मारी बच्ची से, 18 साल से मारी बच्ची को इसलिए नहीं बचा कर रखा कि थारे जैसे राक्षस के हाथ मरने दूँ, दूर रहो वरना क्या मारेगी, मले मारेगी तू, मले न मार सकती तू, सुहाग मत तेरा, एक बीवी नहीं मार सकती, पर एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और थारे जैसे राक्षस है तो मैं अपनी बच्ची को रेंडो के बाद धोखा तूने दिया मुझे, और राक्षस मैं, सही कहा आपने, आप राक्षस नहीं हैवान है, अरे जो आदमी अपनी छोरियों के पैदा होते उनकी हत्या कर दे ऐसा आदमी हैवान ही हो सकता है, और हैवान की हत्या करना समाज की सेवा है। आगे अपनी औकात, मेरे पांव की जूती के नीचे मारना, मार मारता नहीं रही है ना, मार पाएगी
पता है क्यों? क्योंकि मर्द में शक्ति है, मर्द में शक्ति है, मर्द में शक्ति है। मर्द में शक्ति आती है, पर औरत ही शक्ति है, और शक्ति से दुनिया चलती है। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। रुद्र प्रताप की हत्या के जुर्म में भगवती को 7 साल की सजा हुई। बेटियों को पैदा होते ही मार देने की पुरानी प्रथा के चलते हमारे देश के कई हिस्सों में मेल टू फीमेल रेशियो कम हो गया है, जिसके खतरनाक परिणाम हमारे समाज को भुगतने पड़ रहे हैं। कई दशकों में इस तरह की घटनाएं और बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए गए, नई योजनाएं भी बनाई गई, ताकि हमारे समाज में लड़के और लड़की के बीच का भेदभाव को खत्म किया जा सके। किसी भी सोनू को अपनी पहचान छुपाने की जरूरत ना पड़े और किसी भी भगवती को अपनी बेटी को बेटा बनाकर पालने की जरूरत ना पड़े। आज सोनू एक खुशहाल जिंदगी जी रही है, उसकी एक बेटी भी है। याद रखिए, कोई भी अपराध किसी भी परंपरा और प्रथा के रूप में पनप सकता है। अलर्ट रहिए ताकि कोई भी अपराध हमारे देश में ना पनप सके। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना है तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।